हम सब जानते हैं कि आजकल मार्केट में कितना कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में। और कंपटीशन के इस दौर में किसी और के इन्वेंशन या क्रिएशन की चोरी होना, उसका डुप्लीकेट यूज़ होना बहुत आम बात हो गई है। और ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जिनमें बिना पेटेंट रजिस्ट्रेशन के इन्वेंटर या क्रिएटर अपने द्वारा किए गए इन्वेंशंस को मार्केट में लेकर आए और उसकी चोरी हो गई और किसी ने उसका मिसयूज़ कर लिया हो। कुछ केसेस में तो लोगों ने डुप्लीकेट कॉपी बनाकर ऑलरेडी मोटी कमाई कर चुके हैं किसी और की इन्वेंशन से। दोस्तों, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पेटेंट एग्जैक्टली होता क्या है। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक ऐसा रूप है जो ओनर को लीगल राइट देता है जिसके तहत वो अपनी इन्वेंशन को चोरी होने या उसको कॉपी होने से बचा सकता है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन 20 साल के लिए किया जाता है। भारत में पेटेंट को पेटेंट एक्ट 1970 और पेटेंट रूल्स 1972 गवर्न करते हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको ये राइट देता है, ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यूज़ करने के साथ ही इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। पर पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? हु इज एग्जैक्टली एलिजिबल फॉर पेटेंट? भारत में कोई भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्था जो किसी क्रिएशन या इन्वेंशन को सिक्योर करना चाहता है, वो पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो पेटेंट लॉ के तहत असाइनी है या ये दावा करता है कि उसकी कला या इन्वेंशन का पहला इन्वेंटर है, उस व्यक्ति के पास आवेदन करने का पूरा अधिकार है। मृत व्यक्ति का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पेटेंट के लिए फाइल कर सकता है। पर किन किन चीज़ों के लिए हम पेटेंट करा सकते हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? किसी भी प्रकार की कला, एनी टाइप ऑफ आर्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, केमिकल मशीन या किसी भी तरह का इन्वेंशन जो आपके पहले किसी ने ना किया। अगर नज़र डालें हम फैक्टर्स की, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका इन्वेंशन यूनिक होना चाहिए। आपके इन्वेंशन या क्रिएशन उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने योग्य होना चाहिए। Someone should be able to use it. आपका इन्वेंशन पहले किसी भी, कहीं भी जारी नहीं किया होना चाहिए। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के फायदे भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें इनके बेनिफिट्स की, तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने में आपका इन्वेंशन सुरक्षित हो जाता है। आपकी सहमति प्राप्त किए बिना कोई और उसका यूज नहीं कर सकता। एक बार आपने पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा लिया तो रजिस्ट्रेशन डेट से 20 वर्षों की अवधि का टाइम पीरियड वैलिड रहता है। एक पेटेंट आसानी से आप बेच सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का एक फायदा ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट का लाइसेंस किसी और कंपनी को देकर उसकी रॉयल्टी भी ले सकते हैं। एक रजिस्टर्ड पेटेंट इन्वेंटर की मदद करेगा और उसके व्यवसाय, उसके बिजनेस को जस्ट टू ग्रो इन द मार्केट आगे जीत लेने के लिए उसकी मदद करता है और इसी के साथ साथ कैपिटल रेस करने में भी आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। अगर प्रोसीजर की बात करें, इफ यू आर समवन जो बैठ के पेटेंट रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है पेटेंट सर्च। जो भी पेटेंट लेना चाहता है ये उसको जानने में मदद करेगा कि आपके जैसा सिमिलर नेचर का पेटेंट पहले किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया। दूसरा स्टेप, पेटेंट एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग। पेटेंट सर्च प्रोसेस के पूरा होने के बाद एक आवेदक को फॉर्म 1 एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना चाहिए। इसके साथ ही उसे फॉर्म 2 में पेटेंट एप्लीकेशन के साथ कुछ स्पेसिफिकेशन भी अटैच करने होंगे। इसके बाद आवेदक यानी एप्लीकेंट को इंडियन पेटेंट ऑफिस में पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना होता है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसे भारत सरकार के अंतर्गत इंडियन पेटेंट ऑफिस में वेरीफाई किया जाएगा। और एक बार अथॉरिटीज़ पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, अगर वो उसे सैटिस्फाई है, उसे सहमत है, तो एप्लीकेशन के इन्वेंशन या डिस्कवरी के लिए पेटेंट प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप बैठ के एप्लीकेशन में आगे बढ़ने वाले हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म 1 को फिल करना होगा। अगर आप फॉर्म को, पेटेंट को फाइल करने जा रहे हैं तो प्रूफ ऑफ राइट भी आपके पास होना ज़रूरी है। फॉर्म 3 फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट एंड डेक्लेरेशन अंडर सेक्शन 8। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए फॉर्म 26 उस केस में जिसमें पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किसी पेटेंट एजेंट ने फाइल किया है। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आप जानकारी के लिए हमें कॉल करके जान सकते हैं। आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन के महत्व को समझ तो गए होंगे। अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और जल्द से जल्द अपने इन्वेंशन और क्रिएशन को सेव कर सकते हैं। तो राइट हियर कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर बिलो। आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। और अगर आप ऐसी कोई और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे जो आपके लिए ज़रूरी है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।